एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में आ गया डिनीलैंड मेला। सिवान शहर के फतेहपुर सर्कस मैदान में लगा हुआ है डिनीलैंड मेला। खासकर आकर्षक का केंद्र बना हुआ है दुबई सिटी गेट, जो बेहतरीन खूबसूरत है। बता दें कि बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था अंदर है, कई तरह के कपड़े और सामान भी अंदर अब मिलेंगे, जिसका उद्घाटन दरौंदा के विधायक रंजीत सिंह उब्यास सिंह ने फीता काट कर किया है। तो देख सकते हैं कि बेहतरीन सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब ये डिनीलैंड मेला चल रहा है। तो सिवान शहर के फतेहपुर सर्कस मैदान में आ गया, जिसका उद्घाटन हो चुका है। कई तरह के डिस्को डांस झूला, डोरा डोरा, कई तरह के बड़े मौत का कुआं, सभी तरह के झूले इस बार सिवान में आए हुए हैं। तो दुर्गा पूजा के अवसर पर सिवान शहर में डिनीलैंड मेला लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि जिसका उद्घाटन हो चुका है, दरौंदा के विधायक रंजीत सिंह व्यास सिंह सहित तमाम सामाजिक कार्यकर्ताएँ, सामाजिक नेता मौजूद रहे। तो देख सकते हैं कि अब सिवान शहर में डिनीलैंड मेला आ चुका है, तो पूरे परिवार के साथ लोग अब इस दुर्गा पूजा में एंजॉय करेंगे। पहले मेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज के डेट में आज उद्घाटन हुआ है हमारे मेले का, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दुबई सिटी गेट लगा हुआ है। दुबई थीम का आपको सब फोटो बैनर वगैरह मिल जाएगा, और खाने पीने के साथ साथ मौत कुआँ भी है। सबसे बड़ी बात है मौत कुआँ यहाँ पहली बार लग रहा है, और आप लोग आएँ और इन्जॉय करें। 22 चेयर का झूला है जो सबसे हाइट में है यहाँ पर, और नाव झूला, ड्रैगन झूला, मौत कुआँ, और बच्चों के लिए आपको मिकी माउस जंपिंग और वाटर बोर्ड, स्कॉर्पियो झूला, घोड़ा डोला, बहुत कुछ है। पूरा फैमिली के साथ आएँ और एंजॉय करें। यहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है, यहाँ किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यही करना चाहेंगे कि आप आएँ एक बार और हमारे मेला को। कहाँ लगा है मेला? ये सर्कस मैदान लगा हुआ है, फतेहपुर बाईपास सर्कस मैदान में लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के साथ ही आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। बच्चों के मनोरंजन के लिए डिनीलैंड मेला लगता ही है, और बच्चों विशेषकर सिवान में बच्चों के खेलने कूदने के लिए, झूला झूलने के लिए यहाँ कुछ नया तरह का झूला देखने को मिल रहा है, नया तरह का झूला आया है, और हमको लगता है कि बच्चा सबका काफ़ी आकर्षण होगा। और आकर्षण के साथ साथ परिवार के लोग भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, देख लेंगे, वो लोग भी अपना इंटरटेन कर लेंगे। और ये अच्छा है, डिनीलैंड मेला जो लगा है बढ़िया है, लगना भी चाहिए। दुर्गा पूजा भी है इसी बीच, देखिए इसलिए तो बोल रहे हैं कि लोग घूम फिर भी लेंगे, इंटरटेन भी कर लेंगे, कुछ समय अपना व्यतीत भी कर लेंगे, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर सिवान में डिनीलैंड मेला आया है, मेरा शुभकामना है। सिवान बढ़ गया है, बढ़ रहा नहीं, बढ़ गया है। सिवान काफ़ी आगे चला गया है हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप देख लीजिए, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या पहले के अपेक्षा यहाँ सामाजिकता जो है तो बढ़ा हुआ है। लोगों के प्रति, लोगों में काफ़ी एक दूसरे के प्रति सहयोग का भावना है। सिवान जो है काफ़ी शिक्षित हो गया है, सिवान उन्नति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। सिवान जो है 2 डिनीलैंड मेला लगे या 3 डिनीलैंड मेला लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बड़ा सिवान हो गया है, सिवान का रेडियस लगभग 10 किलोमीटर हो गया है, इसलिए मेला जो है ज़रूरी है, 2 लगे 3 लगे अच्छा है, बच्चों के मनोरंजन के लिए बढ़िया चीज़ है। देखिए, सिवान में डिनीलैंड मेला जो है हर साल आता है,
दो महीना तीन महीना रहता है, और सिवान के जो परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ इंजॉय करते हैं। मैं आज डिज्नीलैंड मेला के उद्घाटन के अवसर पर मेला के जितने व्यवस्थापक हैं और सभी का धन्यवाद देता हूँ और आशा एवं विश्वास करता हूँ कि डिज्नीलैंड मेला सिवान में मनोरंजन का सफल प्राप्त करेगा। मेला मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है, चाहे वो किसी तरह का मेला हो। निश्चित रूप से सिवान में डिज्नीलैंड मेला लगा है, पूर्व में भी यह नामी मेला है, इसका नेम पूर्व से है। लोग सिवान नगर की जनता एवं जिले की जनता इससे चिर परिचित है। और रही बात दो दो मेला लगने की, तो निश्चित रूप से सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास हुआ है। सिवान तो अब सुशासन के नाम से जाना जा रहा है, सुव्यवस्था यहाँ स्थापित है। यही कारण है कि सिवान में दो दो मेला हैं और सिवान का एरिया क्षेत्रफल भी बड़ा है, लगभग 8-10 किलोमीटर के रेडियस में सिवान हो गया है। मेला लगने से लोगों को रोजगार भी मिलता है, 50-100 की संख्या में लोग यहाँ पे रोजगार भी करते हैं। निश्चित रूप से 25-50 दुकानें लगेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के लोग इस मेला में आएंगे और खरीदारी करेंगे, जिससे दुकानदारों का जीविकोपार्जन होगा। इस मेले के अवसर पर मैं मीडिया के साथियों के साथ साथ पूरे नगर समेत जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ।